बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि आज के लेक्चर का हमारा क्या टॉपिक है। सो यस, द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज़ सेकेंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। तो जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने फर्स्ट कंडीशन को डिस्कस किया था, और वो कंडीशन क्या थी हमारी कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है तो इस पर जितनी भी फोर्सेस एक्ट हो रही होंगी उनका अगर हम सम कर लेंगे तो दैट शुड बी इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर वो इक्वल्स टू ज़ीरो है तो इसका मतलब वो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली था क्या कि अगर ये हमारी कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर एक फोर्स एक्ट कर रही है इस डायरेक्शन में, और इसी तरह इसी बॉडी पर एक और फोर्स एक्ट कर रही है वो इस डायरेक्शन में। ठीक है, F1 और F2 जो हैं वो इस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हैं। तो फर्स्ट कंडीशन हमें क्या बताती थी कि अगर हम सम कर दें फोर्सेस का तो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाती है। ठीक है, तो बेसिकली था क्या, इनके लाइन ऑफ एक्शन अगर हम चेक करें तो इन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक ही है। लेकिन अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से फोर्सेस अप्लाई हों लाइक दिस, अगर ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है तो हमने एक फोर्स यहाँ पर अप्लाई की और एक फोर्स अब हमने यहाँ पर अप्लाई की। ठीक है, तो अब इन दोनों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट हो गया। इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन हो गया ये वाला, और ये जो F2 है इसका लाइन ऑफ एक्शन है ये वाला। ठीक है, अब इन दोनों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो चेंज हो गया है, एक लाइन में नहीं है, वो डिफरेंट हो गया। तो इस केस में अगर हम फोर्सेस अप्लाई करते हैं तो जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है वो यहाँ पर फेल हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो यहाँ पर टर्न कर जाएगी। ठीक है, अगर हम इस तरीके से ऑपोजिट एंड्स पर फोर्सेस अप्लाई करेंगे तो हमारी बॉडी टर्न कर जाएगी। तो इसका मतलब जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होती। तो इसका मतलब अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो हमें यहाँ पर एक और कंडीशन की ज़रूरत पड़ी। दैट इज़ वाई वी हैव नेम्ड इट सेकेंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। और जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल दी मैंने आपको, आपको क्लियरली अंदाज़ा हो रहा होगा यहाँ से कि जो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है ये बेसिकली किस वजह से है, ड्यू टू रोटेशन। अगर रोटेशन की बात हो रही है तो इसका मतलब बॉडी में टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये किससे रिलेटेड है, टॉर्क से रिलेटेड। तो अब जो हमारी बुक में एग्जाम्पल्स हैं मैं एक दफ़ा यहाँ पर फिर से ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ। ये जो दोनों फोर्सेस इस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही थी उनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक ही था, बट अगर हम ऑपोजिट एजेस पे फोर्सेस अप्लाई कर दें तो इनका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, देखिए सेंटर से इस तरफ डिस्टेंस पर आ गया और F2 का लाइन ऑफ एक्शन सेंटर से इस तरफ डिफर पर आ गया। ठीक है, सो दोनों फोर्सेज जो हैं इनका लाइन ऑफ एक्शन अब डिफरेंट हो गया। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, इस केस को डिस्कस करने के लिए हमारे पास सेकंड कंडीशन की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, सो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम डज नॉट इंश्योर दैट अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। तो इस सिचुएशन को डील करने के लिए, हमें इक्विलिब्रियम में रखने के लिए अपनी बॉडी को एक और कंडीशन की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, जिसे हमने नेम दे दिया सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अब जो सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो हमें क्या बताती है, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अ बॉडी सेटिस्फाइड सेकेंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम व्हेन द रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज ज़ीरो। क्या पता चला कि बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगी, जब उस पर एक्ट होने वाला टोटल टॉर्क यानी कि रिजल्टिंग टॉर्क है वो इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाए। यानी कि तमाम टॉर्क्स अगर जो भी बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहे हैं अगर वो बैलेंस्ड हो गए हैं, अगर उनका सम इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है तो इसका मतलब वो हमारी सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थी जी रीज़न जिसमें हमें सेकंड कंडीशन की ज़रूरत पड़ी। और जैसे कि आपको पता है कि जब हम ऑपोजिट एजेस पर अप्लाई करेंगे फोर्सेस तो यहाँ पर टॉर्क जनरेट होगा। ठीक है, सो दिस इज़ एसोसिएटेड विद टॉर्क। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि समिशन ऑफ टॉर्क इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। सो जो हमारी सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो बेसिकली क्या शो कर रही है कि सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स या रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। क्लियर, तो ये थी हमारी सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। आई होप कि आपको इस कंडीशन की अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब इसी से रिलेटेड, इन दोनों कंडीशन से रिलेटेड हमारे पास बुक में एक क्विज गिवन है, सो उसे सॉल्व कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ लेडर लीनिंग एट अ वॉल एज शोन इन फिगर इज इन इक्विलिब्रियम हाउ। अब बेसिकली ये एक हमारे पास वॉल है, हमने उसके साथ एक लीडर लगाई हुई है। ठीक है, अगर ये हमारी वॉल है तो हमने यहाँ पर जो है वो ऐसे लीडर अटैच की हुई है इसके साथ।
सो जब हम लेडर अटैच करेंगे तो उस पर जो फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी तो उनकी फिगर बेसिकली यहाँ पर मैंने ड्रॉ की हुई है, ठीक है। तो बल्कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पहले बता दूँ कि वो पूछ क्या रहा है, कि उसने कहा है कि जब एक लेडर ऐसे वॉल के साथ अटैच है तो वो इक्विलिब्रियम में कैसे होगी। इसको देख लेते हैं। तो इस केस में हमारे पास थ्री फोर्सेस इन्वॉल्व हैं। जब हमने अपनी लीडर को वॉल के साथ अटैच किया तो इसमें टोटल थ्री फोर्सेस इन्वॉल्व हो रही हैं। सो कौन कौन सी हैं उनको बारी बारी देख लेते हैं। द फर्स्ट फोर्स इज़ द वेट ऑफ द लीडर। तो आपको पता है कि लीडर का कोई ना कोई वेट होगा और वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो फर्स्ट फोर्स जो इस लीडर पर एक्ट हो रही है दैट इज़ वेट ऑफ लीडर। वेट लीडर का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, ठीक है। सेकेंड जो फोर्स है द रिएक्शन एट अ वॉल एट राइट एंगल बिकॉज द वॉल इज़ स्मूथ। अब जब हमने इस लीडर को ऐसे वॉल के साथ अटैच किया तो ये एक्शन हुआ, ठीक है। तो इस एक्शन के अगेंस्ट एक फोर्स जनरेट होगी, ठीक है, और वो फोर्स ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में शो होगी। सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय हियर एज एफ, ठीक है। द रिएक्शन एट द वॉल एट राइट एंगल बिकॉज द वॉल इज स्मूथ। वॉल स्मूथ है तो इसकी वजह से एक रिएक्शन फोर्स जनरेट होगी जो कुछ इस फॉर्म में होगी, दैट इज एक्टिंग एट राइट एंगल। तो इसके अलावा जो थर्ड फोर्स एक्ट हो रही है वो कौन सी है, वो जहाँ पर दूसरा एंड लेडर का अटैच हो रहा है जो कि है ग्राउंड। अब ग्राउंड पे क्या है कि जब ये लेडर हमने ऐसे अटैच किया है तो इस टाइम पर दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, क्योंकि आप देखें कि जो फोर्स है ये राइट एंगल की फॉर्म में नहीं है। तो जो बेसिकली ग्राउंड के साथ लेडर को अटैच किया है यहाँ पर दो फोर्सेज एक्ट होंगी। एक वो होगी जो वेट के इक्वल होगी बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगी और ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है, और दूसरी फोर्स वो होगी जो ग्राउंड और लेडर के दरमियान है, क्योंकि हमारी जो सरफेस है वो रफ है, इसकी वजह से एक फोर्स जनरेट होगी जो कि इस डायरेक्शन में आपको शो की हुई है, ठीक है। सो टोटल हमारे पास तीन मेन फोर्सेस आ गई यहाँ पर। तो अब अगर हमने अपने क्वेश्चन को देखें तो उसने कहा है इक्विलिब्रियम में है कैसे। हमने अभी जो डिस्कस किया ये फोर्सेस को डिस्कस किया, अब हमें पता है कि ये वाली जो वेट वाली फोर्स है इस डायरेक्शन में ये अपवर्ड, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। और इसी तरीके से ये जो रिएक्शन फोर्स वॉल की वजह से थी, ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो इस वजह से होगा क्या कि जो हमारा रिएक्शन या नेट फोर्स होगी या जो रिजल्टेंट फोर्स इस लीडर पर एक्ट कर रही होगी दैट इज इक्वल्स टू जीरो। और अगर वो रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू जीरो होगी तो इसका मतलब हमारी जो लीडर है वो इक्विलिब्रियम में आ गई, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेट ऑफ अ लीडर इन फिगर प्रोड्यूसेस एन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अब पहले हमने फोर्सेस की बात की, अब हम इसमें टॉर्क की बात करेंगे। वो क्या कह रहा है कि जो जब हमने लीडर को अटैच किया ऐसे वॉल के साथ तो जो लीडर का जो वेट है ये ऐसे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन क्या होती है, कुछ इस तरीके की, ठीक है। तो इस वजह से जो हमारा टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और दूसरी बात, द वॉल पुशेस द लीडर एट इट्स टॉप एंड एंड दस पुशेस अ क्लॉकवाइज टॉर्क। अब हमने जब लीडर को वॉल के साथ अटैच किया था तो लीडर की वजह से वॉल ने एक रिएक्शन फोर्स जनरेट की थी, और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या थी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अगर हम इस वजह से देखेंगे कौन सा टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है तो ये हमारी डायरेक्शन टॉर्क की कुछ इस डायरेक्शन में होगी। तो इसका मतलब ये कौन सा टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, क्लॉकवाइज टॉर्क। आई रिपीट कि वेट की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, और जो फोर्स की वजह से टॉर्क जनरेट हो रहा है एंड के ऊपर दैट इज क्लॉकवाइज टॉर्क। सो एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज टॉर्क। डज द लीडर सेटिस्फाई द सेकेंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। अब वो पूछ रहा है कि क्या इस केस में हमारे पास जो लीडर है सेकेंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम जो है उसे सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है, कि सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स इज इक्वल्स टू जीरो। अब जो एंड्स पर टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज है, और जो वेट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है वो क्लॉकवाइज है। तो होगा क्या कि ये जो दोनों टॉर्क्स हैं ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे बिकॉज दे आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एक क्लॉकवाइज है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसकी वजह से एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो इसका मतलब जो हमारी बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। सो यस द लीडर सेटिस्फाइज द सेकेंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम बिकॉज द क्लॉकवाइज टॉर्क विल कैंसिल द इफेक्ट ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है। सो द रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग इन दिस सिचुएशन इज जीरो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज द स्पीड ऑफ अ सीलिंग फैन गो ऑन इंक्रीजिंग ऑल द टाइम। क्या एक सीलिंग फैन जो है उसकी स्पीड हर
वक़्त बढ़ती रहती है। तो क्या आंसर है इसका? नो, द स्पीड ऑफ अ सीलिंग फैन डज नॉट गो ऑन इंक्रीजिंग ऑल द टाइम। हर वक्त इसकी स्पीड नहीं बढ़ती रहती, बल्कि क्या होता है कि हम रेगुलेटर से एक स्पेसिफिक स्पीड फिक्स कर देते हैं और वो उसी स्पीड पर कंटिन्यूसली मूव करता है। फैन विल मूव विद कॉन्स्टेंट स्पीड। एक दफ़ा जो हमने उसे स्पीड फिक्स कर दी रेगुलेटर से, वो उसी स्पीड पर कॉन्स्टेंटली मूव करेगा, ठीक है, ना कि वो कभी अपनी मर्जी से स्लो होगा या कभी अपनी मर्जी से फास्ट होगा। आई रिपीट कि जब हम फैन को ऑन करते हैं तो रेगुलेटर से हम बेसिकली क्या करते हैं, उसकी स्पीड को सेट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो जब हमने एक दफ़ा ऑन कर दिया फ़ैन को, तो जो हमने इनपुट दी है, जो हमने उसको बताया है कि कितनी स्पीड रखनी है, वो सिर्फ उसी स्पीड से मूव करेगा कॉन्स्टेंटली, वो अपनी स्पीड को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। सो ये तो आपने नेचुरली भी ऑब्जर्व किया होगा आपने अपनी डेली लाइफ में भी, कि जो फ़ैन है, जब आप जिस स्पीड पर उसे ऑन करते हैं, वो हमेशा उसी स्पीड पर कॉन्स्टेंटली मूव करता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज, Does the fan satisfy second condition for equilibrium when rotating with uniform speed? अब वो कह रहा है कि जब यही फ़ैन एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो क्या ये सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रहा है? यस, अ रोटेटिंग सीलिंग फैन सेटिस्फाइज द सेकेंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम बिकॉज सीलिंग फैन रोटेट एट कॉन्स्टेंट स्पीड इज इन इक्विलिब्रियम एज द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। तो जो टोटल टॉर्क इस सीलिंग फैन के ऊपर एक्ट कर रहा है, दैट इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। सो इसका मतलब यस, दिस इज सेटिस्फाइंग द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अब इसी क्विज के साथ हमारे पास बुक में एक एग्जांपल गिवन है, सो उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। सो द एग्जांपल इज, अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 1.5 मीटर इज प्लेस्ड ओवर अ वेज। अब है क्या हमारे पास कि ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है। सो यहाँ पर अभी मैं पहले आपको रफली समझा रही हूँ, ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है, तो इसकी हमारे पास टोटल लेंथ कितनी है, 1.5 मीटर, क्लियर। अब उसे हमने क्या किया हुआ है कि एक वेज के ऊपर रखा हुआ है। वेज कहाँ पर रखा है, 0.5 मीटर फ्रॉम इट्स वन एंड। अब ये इसके एक एंड्स थे, ठीक है। सो इसके इस एक एंड से 0.5, लेट्स से कि यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा 0.5 का डिस्टेंस है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने वेज रखा हुआ है, दिस इज वेज। वेज कहाँ पर रखा है, एक एंड से 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया तो आपको पता होना चाहिए कि दिस इज मीटर, ठीक है। सो दिस इज 0.5 मीटर। अब आगे क्या है, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड एट वन ऑफ इट्स एंड नियर द वेज टू कीप इट हॉरिजॉन्टल। अब वो क्या कह रहा है कि एक फोर्स एक्ट हो रही है 100 न्यूटन की, जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट हो रही है, ठीक है। सो हमने यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई कर दी, ये हमारी यहाँ पर क्या आ गई, फोर्स, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट हो रही थी। फाइंड द वेट ऑफ द रॉड एंड द रिएक्शन ऑफ द वेज। अब हमें यहाँ पर वेट फाइंड करना है रॉड का, और जो रिएक्शन की फोर्स जनरेट हो रही है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब रिएक्शन की फोर्स कहाँ जनरेट होगी, अब हमें पता है ये हमारे पास रॉड थी, तो हमने यहाँ पर एक वेज अटैच किया। सो इस पॉइंट पर एक रिएक्शन फोर्स जनरेट होगी जो कि अपवर्ड होगी। सो रिएक्शन फोर्स यहाँ पर एक्ट हो रही है। और इसके अलावा हमने एक अपना टॉपिक पढ़ा था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो हमारे रॉड है इसका सेंटर क्या होगा, जो इस रॉड का सेंटर है, रॉड का सेंटर कैसे निकालते हैं, हमने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि रॉड का सेंटर वो होता है जो उसका मिड पॉइंट होता है, ठीक है। सो लेट्स सपोज कि यहाँ पर जो हमारा मिड पॉइंट है वो ये वाला, सो दिस इज द सेंटर। यहाँ पर हमारे पास जो वेट है वो उसका पूरा डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास कौन सा आ गया इसका, ये वाला पॉइंट जहाँ पर इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना था, 1.5 मीटर। पूरे रॉड का टोटल जो लेंथ थी वो कितनी थी, 1.5 मीटर। तो अगर हम इसे हाफ ऑफ कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 1.5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0.75। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज 0.75 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज 0.75 मीटर, ठीक है। तो इसकी जो फिगर है वो यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दिया यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो यही सारी फिगर अब यहाँ पे, अब बेसिकली इस फिगर से हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस भी पता है हमें, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस भी पता है। बट जो हमें फाइंड आउट करना है वो ये डिस्टेंस है, हमें इसका नहीं पता कि ये कितना डिस्टेंस है। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है कि जो हाफ है पूरा ये कितना है, 0.75
5 का, ठीक है। सो इसमें से अगर हम 0.5 मीटर निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 0.25। तो बेसिकली ये जो 0.25 लिखा है यहाँ पर, ये इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया है, वेज का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितना है 0.25 का, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारा जो क्वेश्चन में डाटा गिवन है वो यहाँ पर एक दफ़ा मेंशन कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन। इसके अलावा हमें क्या गिवन था, ओ से ए तक का डिस्टेंस जो कि है 0.5 मीटर, और हमें पता है कि जब टोटल इसकी लेंथ थी वो हमारे पास थी 1.5, तो हमने इसका जब हाफ किया तो हमारी जी से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया, यानी कि ए जी इज इक्वल्स टू बी जी, क्योंकि हमने इस रॉड का सेंटर पॉइंट निकाला है। सो वहाँ पर हमारी जो टोटल लेंथ 0.75 मीटर, ठीक है। सो ये आपको मैंने यहाँ पर निकाल के भी दिखाया, तो आई होप कि आपको इस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होगी कि ये वाली बेसिकली मेजरमेंट कैसे आई है। तो इसके अलावा अब हमें पता था कि वेज हमने कितने डिस्टेंस पर रखा है, 0.5 पे, क्लियर। तो अब 0.5 में से ये टोटल हमारे पास कितनी आ गई थी, ये टोटल थी हमारे पास 0.75। तो अगर हम 0.75 में से 0.5 निकाल देंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू तब निकलेगी। अभी हमने ये कैलकुलेट नहीं की, बेसिकली ये जो वैल्यूज लिखी हुई यहाँ पर ये मैंने कैलकुलेट करके लिखी हुई है। तो हमने बेसिकली क्या निकालना है, यहाँ से सबसे पहले ओ जी का डिस्टेंस। तो ओ जी इज इक्वल्स टू, ओ जी इज इक्वल्स टू ए जी माइनस ए ओ, ठीक है। इसमें टोटल में से ए जी में से हम ये वाला जो डिस्टेंस है ए ओ वाला वो निकाल देंगे। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 0.75 माइनस 0.5 इज इक्वल्स टू 0.25 मीटर, ठीक है। सो ये बेसिकली यहाँ पर मैंने रफली किया था, तो यहाँ पर आपको मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में भी सॉल्व करके दिखा दिया। तो अब जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हमने फाइंड आउट क्या क्या करना था, हमने W की वैल्यू को फाइंड आउट करना था और रिएक्शन फोर्स को कैलकुलेट करना था यहाँ से। तो अब आती हैं जी हमारी कंडीशंस की बारी यहाँ पर। सो हमने जो है वो यहाँ पर अपनी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करनी है। सो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो आई एम राइटिंग ओवर हेयर EQ। सो यहाँ पर हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो अप्लाई करें, EQ मीन्स इक्विलिब्रियम, ओके। सो सेकंड कंडीशन हमारी क्या होती है कि समेशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल्स टू जीरो। अब बॉडी पर जितने भी टॉर्क एक्ट कर रहे हैं उनकी हमने सम लेना है और इसको इक्वल टू जीरो कर देना है। अब हमें पता है कि एक फोर्स इस पर ये एक्ट हो रही है, एक ये रिएक्शन फोर्स एक्ट हो रही है, और एक इस पर ये वेट वाली फोर्स जो है वो एक्ट हो रही है। सो तीन फोर्सेज जो हैं वो यहाँ पर एक्ट हो रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी वजह से तीन टॉर्क्स आ जाएंगे हमारे पास। सो फर्स्ट क्या आएगा हमारे पास, दिस फोर्स टॉर्क का हमारे पास क्या फॉर्मूला था, टी इज इक्वल्स टू एफ क्रॉस एल। सो फोर्स फर्स्ट को लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट फोर्स मल्टीप्लाई बाय इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज ए ओ, ठीक है, प्लस दूसरी रिएक्शन फोर्स थी। अब ये जो बेसिकली हमने मूवमेंट्स निकाल रहे हैं, टॉर्क्स निकाल रहे हैं, वो इस ओ पॉइंट के अगेंस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब जो रिएक्शन फोर्स है वो तो इसी पॉइंट पर एक्ट हो रही है, तो इसका मतलब इसका जो डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा, जीरो, कोई डिस्टेंस ही नहीं है। और इसी तरीके से जो W है इसका डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ये वाला ओ जी, ठीक है, और इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर, जीरो। अब हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देनी है। सो 100 इंटू ए ओ का डिस्टेंस, इसकी वैल्यू हमें पता है क्या है, 0.5 प्लस रिएक्शन इंटू जीरो, जो भी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, जीरो। और W क्या है हमारे पास, W हमने कैलकुलेट करना है, और ओ जी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 0.25 इज इक्वल्स टू जीरो। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास W की एक वैल्यू निकल आएगी, दैट इज 200 न्यूटन। तो ये निकल आई जी हमारे पास W की वैल्यू। अब इसी तरीके से हमने जो है वो रिएक्शन फोर्स की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना है। अब आपको पता है कि हमारा एक्सिस क्या होते हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। अब ये जो रिएक्शन फोर्स है ये किस एक्सिस के अगेंस्ट अप्लाई हो रही है, ऐसे अपवर्ड है, तो इसका मतलब दिस इज अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। सो वाई एक्सिस के अलोंग एक्ट हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है उसको यूज करेंगे। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कौन सी थी, फर्स्ट कंडीशन, तो आपने यहाँ पर पूरा मेंशन करना है कि बाय यूजिंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। हमें क्योंकि रिएक्शन फोर्स चाहिए और वो वाई के अगेंस्ट है,
और तो हम क्या करेंगे, समीशन ऑफ एफ वाई इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर आप समीशन ऑफ एफ एक्स भी ले लेते हैं तो वो इक्वल्स टू ज़ीरो आएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं इस पूरी रॉड के ऊपर कोई भी जो फोर्स है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में अप्लाई नहीं हो रही, जो तमाम फोर्सेज हैं वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट हो रही हैं। तो यहाँ पर हम क्या कह देंगे, समीशन वाई इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। तो कौन कौन सी फोर्सेज हैं, पहले लिख लेते हैं इस एफ को। अब मैंने आपको बताया था कि जो डाउनवर्ड फोर्सेज हैं उनको हम लेंगे हमेशा नेगेटिव, और अपवर्ड जो फोर्स होगी उसे हम लेंगे हमेशा पॉजिटिव। तो जो पहले अपवर्ड फोर्स है उसे लिख लेते हैं कि हमारी जो फर्स्ट फोर्स कौन सी है, रिएक्शन। सो आर माइनस डाउनवर्ड दो है, एक ये एफ और एक ये डब्ल्यू, तो क्या आ जाएगा, आर माइनस एफ माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब सिंपली यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें। हमें पता है इसकी वैल्यू है 100 और डब्ल्यू की वैल्यू है 200 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो रिएक्शन फोर्स की वैल्यू निकल आएगी, दैट इज़ 300 न्यूटन। तो ये थी जी हमारी एग्जांपल 4.6। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी इस एग्जांपल की, और इस लेक्चर के बारे में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हम इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।